हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं रेस्टोरेंट टाइकून 2। तो गाइस, अब मैं इसे थोड़ा करने वाला हूँ, एक वीडियो करके सारे गेम्स में थोड़े बहुत अपलोड करना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट टाइकून को बहुत टाइम से चल रही आ रहा है, तो एक वीडियो बीच में डालता रहूँगा। बाकी अब साइड बाई साइड एक और गेम पे सीरीज शुरू करिए जिसका नाम है टैक्सी बॉस, जाके आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। दो वीडियो डाल चुका हूँ मैं उसकी, तो जाके उसे भी देखिए, बहुत अच्छी सीरीज़ है वो। और मैं जल्दी पर अंदर चलता हूँ, पैसे सबसे ले आते हैं एक बार। इससे पैसे सबने इस बार कैश पेमेंट नहीं किया, मतलब वो हो गया कहते हैं, हाँ कैश पेमेंट किया, कार्ड पेमेंट नहीं किया है, जो थोड़ी अजीब बात है, ऐसा देखा नहीं जाता मुझसे, मतलब बहुत रेयर ही होता है ऐसा कि सबने ही वैसे पेमेंट किया। खैर ठीक है, अभी तो यहाँ पर ये सब चलता रहेगा। पहले एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे को यहाँ पर क्या क्या अनलॉक करना है अभी। अभी तो वैसे मेरा वो आइडिया मैंने आपको बताया था, 8,000 का है टारगेट, बाकी देखा जाएगा कितना होता है। वर्कर्स में देख लेते हैं एक बार, शेफ मतलब 2500, ठीक है इनकी इनकी वो तो हैप्पीनेस तो बढ़िया चल रही है, 2500 ठीक है, इनकी हैप्पीनेस भी ठीक ही चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इनको हैप्पीनेस में। इन्वेंट्री में बस कोई फालतू चीज़ें पड़ी है जिसका मैं अभी यूज़ कर सकता हूँ तो नहीं। एक टेबल पड़ी है मेरे पास, पर टेबल मैं अभी लगा नहीं सकता कहीं पर भी, ठीक है, मतलब सब बढ़िया चल रहा है। मैं अपने घर पर चलता हूँ एक बार। जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, यहाँ पर घर का अपडेट आ चुका है, बहुत अच्छा अपडेट है ये। और घर में मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता हूँ अपने, मैं थोड़ा बहुत सोच लिया, जैसे कि यहाँ पे कुशन ख़रीद लिया मैंने, काउच और वो क्या कहते हैं साइड वाला एल शेप में, दो टेबल खरीदे, डाइनिंग टेबल, एक फ्रिज खरीद लिया, बाकी सब तो मेरे पास पुराना ही है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस साइड वाले एरिया में डाइनिंग उसमें रखता हूँ, मतलब डाइनिंग रूम में जैसे होता है एक, तो इसलिए मैं इस फ्रिज को मूव करता हूँ और इसको रोटेट करके अभी के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ। इस साइड में थोड़ा बहुत किचन का मैं देख लूँगा, यहाँ पर मैं वो रखने वाला हूँ और डाइनिंग वाला एरिया, यहाँ पे एक वो लगा दी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दो का गैप है और यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा पास पास हो गया, इसको एक साइड कर देता हूँ मूव, और ये यहाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे थोड़ी बहुत टेबल्स लगा देता हूँ, चेयर्स एक वो लगाने मुझे होम पे चल के। अब मैं एक लगा सकता हूँ, ये वाला काउच लगा देता हूँ, कलर हाँ मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। कलर मैच करना बहुत ज़रूरी है वरना बहुत दिक्कत आएगी। 2x2 का एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं क्या एल शेप वाला देखूँ तो फिर, पर वो ऐसे फिट नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ वो ऐसे फिट नहीं आएगा, उसके लिए मेरे को थोड़ा दूसरी साइड से चाहिए होगा एल शेप, पर वो फिर उल्टा आएगा, ऐसे नहीं आने वाला यहाँ पे, ये तो समझ आ गया। ठीक है चलो फिर यही लगा देते हैं, रोटेट कर दो इसको यहाँ पे, कैन नॉट बी प्लेस ये, और ठीक है चलो इतना बहुत, और ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बीच में थोड़ा बहुत सा गैप दे देते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये रख दिया मैंने, बीच में वो टेबल से कुछ आती हो तो कुछ देखता हूँ मैं होम में, थोड़ी बहुत लाइटिंग, हाँ लाइटिंग तो लगाई नहीं मैंने एक भी, एक लैंप लगा देता हूँ फिर। और क्या है लाइटिंग के लिए ऑप्शन मेरे पास, बस लैम्प ही है, ठीक है चलो फिर तो एक इसे भी लगा देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा इस पीछे वाले एरिया पर थोड़ा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। एक उस कोने में लगा देता हूँ यहाँ पे, ये ऊपर लाइटिंग नहीं दे रखी है, ओके। और कौन सी लाइटिंग का ऑप्शन है मेरे पास, लाइटिंग के लिए बस दो ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो लैंप या फिर ये। अब एक लैंप लगा देते हैं फ्रंट गेट पे, फ्रंट गेट पे मैं लैंप से स्वागत करना चाहता हूँ गेस्ट का, लोग स्वैग से करते हैं हम लैंप से करेंगे, ठीक है चलो। यहाँ पर रोशनी कम आ रही है, यहाँ पर भी एक लैंप लगा देता हूँ मैं, ये वाला 100 वाला मेरा, बहुत बढ़िया ये भी हो गया, ठीक है बहुत अच्छे, ठीक है बस यहाँ के लिए काफ़ी है इतना। थोड़ा किचन वाले एरिया में देख लेता हूँ एक बार, किचन के लिए यहाँ पे एक लैंप लगा देता हूँ मैं, ठीक है एक लैंप मैं यहाँ लगा देता हूँ, बहुत बढ़िया। किचन के एरिया में ग्लो करना चाहिए थोड़ा, वॉल इसमें वॉल हैंगिंग के लिए टाइप कोई लैम्प वो नहीं है इसमें, वरना वो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर ठीक है चलो, वॉशरूम टाइप भी मुझे बनाना ही है तो ठीक है। इस बेड को मैं मूव करके यहाँ रख देता हूँ क्या, नहीं यहाँ तो नहीं आ सकता बेड, बेड का एरिया मेरे को थोड़ा अच्छा देखना होगा एक बार, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इतना एरिया जहाँ पे मैं मेरा बेड मूव करा रहा हूँ। उसके साथ मेरे को टीवी कहीं लगाना है तो कोई अच्छी जगह लगाना होगा, या तो मैं काम कर सकता हूँ टीवी को, मैं एक काम करता हूँ हाँ बेड में अपना एक ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है। और टीवी को मैं दो टीवी लगाता हूँ अपने घर में, तो एक टीवी को मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है इसको यहाँ लगाता हूँ, यहाँ वाले गेस्ट देख सकते हैं टीवी, बहुत अच्छी बात है। तो
गैस के लिए तो थोड़ा बहुत टेढ़ा करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हवा में लटका नहीं सकते, वो तो बहुत दूर जाएगा, यहाँ लगा हुआ तो यहीं ठीक है, या फिर नहीं यार गैस वो तो ठीक है गैस लोगों का। एक काम करता हूँ इसको यहाँ लगाता हूँ, और हाँ मेरा ये यहाँ रहेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऐसे सच। तो एक अलमीरा रहेगी मेरे पास, इसको रोटेट करके मैं इस साइड लगा देता हूँ। फिर मैं इसको सीधा करना चाह रहा हूँ, पर सीधा करूँगा तो अजीब से वो, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा ना तो अजीब से लगेगा ये, लगाऊंगा तो मैं इसको ऐसे ही, इसको ऐसे ही लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। नाइट स्टैंड, ये क्या होता है, मॉडर्न नाइट स्टैंड, अच्छा ठीक है, वुडन नाइट स्टैंड, ओवन लगा देता हूँ एक अपने किचन में, रोटेट कर दो, ठीक है एक ओवन आ गया, बहुत अच्छा। दो चाय रख देता हूँ यहाँ पे, अरे यार कैंसिल हो गया, मेरे को आगे जाना था, डब्ल्यू दबाना था, ई दब गया। एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, बहुत बढ़िया। और अभी मैं चलता हूँ एक बार रेस्टोरेंट पे, चलता हूँ वहाँ का हाल देख कर रहा हूँ, सबने पता चला कार्ड पेमेंट का, यहाँ देखो यहाँ पे डिश भी अपग्रेड हो चुकी है, 6 बज गए भाई, मतलब 6 AM, 12 AM पे ख़त्म होता है, देख तो अच्छा खासा टाइम हो गया। एक बार अपने रेस्टोरेंट पे चलते हैं जल्दी से, टेलीपोर्ट टू रेस्टोरेंट, ठीक है यहाँ पे ये बढ़िया चल रहा है अभी तो रेस्टोरेंट मेरा, और ये भी ठीक है, इससे पैसे ले लो, हाँ ठीक है पैसे ले लिए, निकल जाएगा सबका ऑर्डर दे देगा। अंदर से देख कर आते हैं पैसे किसी से लेने बचे हैं क्या, अंदर से भी किसी से पहले लेने नहीं है, पैसे लेने नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर मैं अपने काम करता हूँ, रेस्ट घर को कंप्लीट करता हूँ एक बार चल के जल्दी से, तो चलते हैं टेलीपोर्ट करते अपने घर पे और एंटर करते हैं उसमें। चलो भाई घर का काम कंटिन्यू करते हैं, रोटी जी मैंने लगा लिया, बहुत अच्छा। और क्या बचा यहाँ पे, वॉशरूम एरिया बचा, ठीक है वो तो होना ज़रूरी है भाई, घर चल रहा है, मजाक थोड़ी है। ये जरा सिंक, दीवार वीवार तो है नहीं यहाँ पे, ओपन ही रहेगा वॉशरूम का, दीवार का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, हाँ ओपन ही रहने वाला है। ये यहाँ आएगा और ये आएगा रोटेट, ये यहाँ पे आ जाएगा, नहीं एक थोड़ा दूर, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दो वॉशरूम कहाँ से आ गया, वो तो भाई किचन का ही है, भगा यहाँ से उसको, इसको डिलीट कर दो, प्लांट लगा लेता हूँ एक यहाँ पे, बहुत अच्छा। मेरा थोड़ा गला ख़राब है गाइस, तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, दो थोड़े टाइम के लिए मैनेज करना पड़ेगा, ये तो बेकार है चैट। चलो ठीक है फिर आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ है नहीं अब करने को, वैसे मेरा घर अपने से भी पूरा डेकोरेट हो ही चुका है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मदद में चाहिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।